हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काइनेमैटिक्स के चैप्टर से एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी थ्योरी बुक मैकेनिक्स वॉल्यूम 1 से डायरेक्टली लिया है, और इस बुक में कुछ कुछ चैप्टर्स के बाद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन और मैथ दी कॉलम के लिए अलग से चैप्टर दिए गए हैं। उन्हीं में से एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन मैंने चुना है। क्वेश्चन हो सकता है कि आप में से कई लोगों को पढ़कर इंटिमिडेटिंग लगे, वो घबराने वाला लगे, पर जो लोग हौसला बनाए रखेंगे और ये मान के चलेंगे कि ये फंडामेंटल्स पे ही बेस्ड है, जो मुझे आता है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, वो देखेंगे कि अल्टीमेटली कुछ लाइंस ऑफ मैथमेटिक्स के बाद ये क्वेश्चन आसान ही समझ में आ रहा है। तो आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ मैं, इसलिए इस क्वेश्चन को चुना है। आइए देखते हैं हमारा आज का काइनेमैटिक्स का ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने बुक से पिक किया है। एन एंटी एयरक्राफ्ट गन कैन फायर इन एनी डायरेक्शन एट ए फिक्स्ड स्पीड यू। देयर इज एन एंटी एयरक्राफ्ट गन, दुश्मन के जहाज जब हमारे देश के सीमा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उनको गिराने के लिए जो गन हम यूज करते हैं उसको एंटी एयरक्राफ्ट गन कहा जा रहा है। एंड इट कैन फायर एट ए फिक्स्ड स्पीड यू, द गन कैन फायर एट ए फिक्स्ड स्पीड यू। द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच इट कैन फायर इज 1000 मीटर। द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच इट कैन फायर इज 1000 मीटर। इट इज यूज टू हिट एनिमी फाइटर जेट्स विच एंटर इट्स रेंज। जो भी दुश्मन के जहाज हमारे इस गन के रेंज में आ जाएंगे वो उनको शूट करने का काम करता है। कंसिडर द ओरिजिन ऑफ आर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू बी एट द लोकेशन ऑफ द गन। जहाँ गन है वहीं पर आपको ओरिजिन लेना है। X direction is horizontal and Y direction is vertical, right? Horizontal कई सारे direction हो सकते हैं। अभी आप किसी भी एक random horizontal direction को X direction मान लीजिए, and let us assume that all motions are constrained in XY plane. The maximum Y coordinate of a bullet for a given value of X is X ranges from -1000 meter to +1000 meter. Because the question says that the maximum range of the bullet is 1000 meter. तो अगर गन यहाँ पे located है तो ये इस direction में भी 1000 meter दूर तक fire कर सकता है, और अगर ये just a minute, हाँ, अगर ये गन की location है तो गन इस direction में भी 1000 meter दूर तक fire कर सकता है और इधर भी 1000 meter दूर तक fire कर सकता है। In fact ये चारों तरफ fire कर सकता है, पर जैसा मैंने कहा वी विल जस्ट स्टिक टू एक्स वाई प्लेन। किसी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स मान लीजिए, ये ट्रू है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो माइनस, अगर ये एक्स जीरो है तो -1000 से लेके +1000 एक्स कोऑर्डिनेट तक गन फायर कर सकता है। तो द मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए बुलेट फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इज। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे आंसर, और घबरा जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू गिवन है। ये गन यहाँ से फायर किया गया, और आपको समझना ये है कि भाई जस्ट ए मिनट, मुझे थोड़ा सा और समय दीजिए। मान लीजिए गन यहाँ से फायर किया, तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, लेट अस से दिस इज एक्स इज इक्वल टू 400 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर, एनी वैल्यू ऑफ एक्स। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एक्स द बुलेट कैन बी एट डिफरेंट हाइट इफ इट हैज बीन फायर्ड एट डिफरेंट एंगल्स। इसी बुलेट को सेम स्पीड से किसी दूसरे एंगल पे फायर किया गया तो सेम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हाइट मतलब वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा। एक तीसरे एंगल पे फायर किया तो सेम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वाई की वैल्यू अलग होगी, isn't it? So the maximum y coordinate of a bullet for a given value of x, x की दी हुई वैल्यू के लिए y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, और आप ऑप्शंस को ध्यान में रखेंगे तो आंसर आपको u और x के टर्म्स में करना है। ये पहला क्वेश्चन है। दो और क्वेश्चन है इस पैसेज से रिलेटेड। एन एनिमी जेट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 250 मीटर विथ ए वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू x एक्सिस। द रेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ओवर विच इट कैन गेट हिट। And the third question is the time interval for which the above mentioned jet plane is in danger is. So, इन दो questions पे बाद में आते हैं। सबसे पहले हम पहले वाला question करते हैं, और आप में से जो लोग
खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं, स्क्रीन को कैप्चर कर लीजिए, ये और खुद से जरूर ट्राई कीजिए। मैं समझ पाता हूँ कि आप में से अधिकांश लोग बेचैन रहते हैं और कई सारे चैनल्स, कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे डिस्कशंस को आधे घंटे में देख लेते हैं। इससे आपने आधे घंटे बर्बाद किए, सीखा कुछ भी नहीं। आपको किसी भी एक चीज़ को समझने के लिए समय तो देना पड़ेगा, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनना पड़ेगा टोटैलिटी में। ऐसे हड़बड़ तड़बड़ में मैं एक सेंटेंस बोल दूँ कि ये फॉर्मूला ये आंसर आता है, उससे आप नहीं सीखेंगे। आपको एक्चुअली में एक बहुत फेमस कहावत है कि किसी को मान लो मछली खाता है, तो मछली को लेके ही यह कहावत है, तो उसको मछली मारना सिखा दूँ तब उसका मैंने ज़्यादा भला किया, मछली पकड़ना सिखा दूँ या मछली पकड़ के दे दूँ तब उसने उस मैंने उसका ज़्यादा भला किया। सोच के देखो, मछली पकड़ के मैंने दे दिया तो एक बार, दो बार, तीन बार दे दूंगा, लेकिन अगर मछली पकड़ना सिखा दिया तो वो जिंदगी भर उस मछली को पकड़ पकड़ के अपना जीवन यापन कर सकता है, अलग अलग मछलियों को पकड़ के। तो ऐसे ही आपको अगर मैंने चार रैंडम क्वेश्चन के सोल्यूशन दे दिए, उससे आपका कुछ भला होगा ना? कि आपने बहुत सारे वीडियोस कलेक्ट कर लिए उससे आपका भला होगा? नहीं। भला किससे होगा? जब आप क्वेश्चन बनाने सीखो, मछली पकड़ना सीखो, क्वेश्चन बनाना सीखो। क्वेश्चन बनाना तब सीखोगे जब पूरी बातों को समग्रता से एक साथ सुनने का पेशेंस रखोगे, धीरज रखोगे और सुनोगे। हो सकता है मैं उन लोगों से इस समय बात कर रहा हूँ जो सुनते हैं, बाकी तो जा चुके होंगे। चलिए, तो इन दो क्वेश्चंस को अभी छोड़ देते हैं। सबसे पहले पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द इक्वेशन, जस्ट ए मिनट, हाँ बोर्ड क्लियर कर लो। हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ बुलेट, आप मान लीजिए कि गन यहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से आपने इसको फायर किया एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो सभी जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है। नॉर्मली आप डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हो, उसको मैंने न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। और टैन थीटा को एम मान लो, मैंने यहाँ पे एक सिंबल दिया है, लेट टैन थीटा बी एम। आपने एक पर्टिकुलर एंगल पे फायर किया तो एम की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, दूसरे एंगल पे फायर किया तो एम की अलग वैल्यू है। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन था वो ये था कि एक्स की गिवन वैल्यू के लिए, एक्स गिवन है, कितनी अलग अलग हाइट पॉसिबल है, उसमें मैक्सिमम हाइट क्या है जब हम बुलेट को डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल मतलब स्मॉल एम की वैल्यू अलग अलग लेनी है। स्मॉल एम की अलग अलग वैल्यू के लिए ये प्रोजेक्टाइल ऐसे चल रहा है, स्मॉल एम की अलग अलग वैल्यू के लिए हमें स्मॉल एम की वो वैल्यू जाननी है जिस पे वाई मैक्सिमम है फॉर ए गिवन एक्स। अगर मुझे ऐसा जानना है तो आपको समझना होगा कि ये जो इक्वेशन है इसमें एक्स एक कॉन्स्टेंट है, लेट एक्स बी ए कॉन्स्टेंट। हम एक्स इज इक्वल टू 500 मीटर की बात कर रहे हैं। वॉट इज वेरिएबल? थीटा एंड वाई। इफ आई फायर एट डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स आई विल गेट डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स फॉर गिवन एक्स कोऑर्डिनेट। सो टू गेट मैक्सिमम वाई फॉर ए गिवन एक्स, वॉट आई नीड टू डू इज आई नीड टू पुट डी वाई बाई डी एम इज इक्वल टू जीरो। बेसिकली डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो। मैथमेटिक्स लिखने में मुझे आसान लगे इसलिए मैंने टेन थीटा को एम मान लिया, ठीक है। तो टेन थीटा को एम मानने से ये एम इंटू एक्स हो गया, ये 1 + m² हो गया। नाउ डी वाई बाई डी एम इज इक्वल टू जीरो कीजिए। एम के किस वैल्यू के लिए वाई मैक्सिमम हम ये जानना चाहते हैं। तो आसान डिफरेंशिएशन है, ये एम है, ये एक्स है और एक्स कॉन्स्टेंट है, तो एक्स और एम का डिफरेंशिएशन एम के रेस्पेक्ट में 1। वैसे ही 1 कॉन्स्टेंट है, उसका कुछ नहीं, ये एम स्क्वायर उसका 2m हो गया। डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू जीरो करने से एम की वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी एक्स आई। एम मतलब टेन थीटा। जब आप थीटा टैन इनवर्स यू बाई जी एक्स पे प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे तो गिवन एक्स कोऑर्डिनेट के लिए उसकी हाइट मैक्सिमम होगी, हम ये कहना चाह रहे हैं। इसको नेचुरली अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन मतलब इसमें एम की ये वैल्यू फॉर गिवन एक्स, इस पर वाई मैक्सिमम है, तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू जानने के लिए एम की जगह पे, एम मतलब टैन थीटा की जगह पे हमें यू स्क्वायर बाई जी एक्स सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए।
तो यहाँ टैन थीटा की जगह हमने यू स्क्वायर बाई जी एक्स सब्सटीट्यूट कर दिया और हमें वाई की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और जिब्रा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ए बी सी डी चार में से एक ऑप्शन ये है, ये हमारे सही आंसर को दर्शाता है। जो दूसरा क्वेश्चन था इसको वापस से मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। एन एनिमी जेट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 250 मीटर विथ ए वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। एन एनिमी जेट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 250 मीटर विथ ए वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। द रेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स ओवर विच इट कैन गेट हिट इज। एक्स कोऑर्डिनेट्स की वो सारी वैल्यूज बताइए जिस पर उसे चोट लगने वाली है। ये वाई मैक्स है, देखिए एक्स के फंक्शन में ये वाई मैक्स की वैल्यू है। एक्स जीरो पे वाई की मैक्सिमम वैल्यू यू स्क्वायर बाई टू जी है, जो बिल्कुल ठीक लग रहा है। एक्स जीरो मतलब क्या हुआ, अगर हम ऐसा फायर करें, ये एक्स जीरो है, तो एक पत्थर को सीधा ऊपर फायर किया तो मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या होता है, यू स्क्वायर बाई टू जी। तो एक्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए मैक्सिमम वाई, मैक्सिमम वाई को एक्स के साथ प्लॉट करें तो वो ग्राफ भी एक पैराबोला होगा, अगर आप समझ सके मेरी बात को। ये पैराबोला यहाँ पे बना दिया गया है, ये पैराबोला है, ये वाई मैक्स को दर्शा रहा है फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर एक्स की ये वैल्यू आपने चुनी है, एक्स की ये वैल्यू चुनी है, तो आप बहुत सारे एंगल्स पे ट्राई कीजिए, द मैक्सिमम हाइट टू विच बुलेट कैन गेट इज दिस हाइट ओनली। तो ये प्लॉट है बेसिकली इस वाले इक्वेशन का, वाई मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर। तो हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एनिमी जेट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 250 मीटर। तो अगर हम 250 मीटर की हाइट को देखें, 250 मीटर की हाइट पे ये एनिमी जेट इस लाइन पे चल रहा है, इस लाइन पे उड़ रहा है, ठीक है, तो एक्स की किन किन वैल्यूज पे उसको हिट किया जा सकता है। नेचुरली एक्स की एक ऐसी वैल्यू जो इससे बड़ी है, यहां से अगर आप आगे निकल गए, अगर ये एनिमी जेट यहां पे कहीं है तो आप उसे हिट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर जो बुलेट की मैक्सिमम हाइट हो सकती है वो सिर्फ इतनी हो सकती है, बुलेट की मैक्सिमम हाइट का ग्राफ है ये, और एनिमी जेट तो उससे काफी ज्यादा ऊंचाई पे। एनिमी जेट अगर यहां है तो आप उसे हिट नहीं कर सकते, यहां है तो आप उसे हिट नहीं कर सकते। तो वो जो जेट प्लेन है उसको हिट करने की जो जोन है, जो रेंज है, वो ये शेडेड एरिया से दिखाया गया है, क्योंकि मेरे बुलेट की ये मैक्सिमम हाइट है, बुलेट यहाँ पे इस हाइट तक, 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 यहाँ पे इस हाइट तक जा सकता है, और जो जेट प्लेन है वो 250 मीटर की हाइट पे चल रहा है। तो यहाँ पे अगर है जेट प्लेन तो मेरा बुलेट यहाँ तक की हाइट पे जा सकता है, यहाँ तो जा ही सकता है, यहाँ भी जा 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 सकता है, फॉर डिफरेंट एंगल। मैक्सिमम हाइट फॉर दिस एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस हाइट, तो 250 मीटर तो जा ही सकता है। तो नेचुरली मेरा बुलेट उस जेट प्लेन को हिट कर सकता है अगर एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कहीं लाई करता है। और इसके बाद वर्किंग बहुत आसान है। ये फिर से आप पिछले इक्वेशन को देखिए, ये वाई मैक्स है, अगर वाई मैक्स की वैल्यू 250 से ज़्यादा है, ये वाई मैक्स की वैल्यू 250 या उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली हिट होगा। तो ये जो हमने वाई मैक्स की वैल्यू लिखी है ये 250 या उससे ज्यादा होना चाहिए, है ना। द बुलेट्स कैन हिट एन एयरक्राफ्ट इन द रीजन दैट इज गिवन बाय, कुछ तो मैं गलत बोल रहा हूं ना, वाई शुड बी लेस देन वाई मैक्स। वाई जो 250 मीटर है, इट शुड बी लेस देन वाई मैक्स। ये जो वाई मैक्स है ये क्या है, हमारे बुलेट्स की मैक्सिमम हाइट। तो जो प्लेन है 250 मीटर हाइट पे, दैट 250 मीटर शुड बी लेस देन बुलेट की मैक्सिमम हाइट। प्लेन की हाइट 250 मीटर, ये प्लेन की 250 मीटर की हाइट, बुलेट की मैक्सिमम हाइट तो यहाँ पे 500 मीटर है, 450 मीटर है, उससे 250 मीटर कम होना चाहिए। तो नेचुरली 250 मीटर शुड बी लेस देन वाई मैक्स। और ये जो वाई मैक्स की वैल्यू है, इसमें सारा डेटा सब्सटीट्यूट कर दिया, गिवन है आपको, यू दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो एवरीथिंग इज गिवन एंड यू कैन जस्ट प्लग इन। यू दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में बच्चों? यू आप कैलकुलेट कर सकते हो थोड़ी अकल लगा के, खुद से कैलकुलेट करना, ये मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। मैक्सिमम रेंज क्या है, 1000 मीटर। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला जानते हो,
यू स्क्वायर बाई जी, जब 45 डिग्री के एंगल पे फायर करते हैं तो यू स्क्वायर बाई जी 1000 मीटर है, नेचुरली यू की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड है। तो यू 100 मीटर पर सेकेंड यहाँ सब्सटीट्यूट करो, जी की वैल्यू 10 सब्सटीट्यूट करो, वाई 250 जो दिया हुआ है 250 से वाई मैक्स ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सारा सब्सटीट्यूट करने से इफ यू जस्ट डू दी अलजेब्रा यू गेट एक्स रेंजिंग फ्रॉम -500√2 टू +500√2, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट -500√2 से +500√2 तक होने पे ये जो बुलेट्स के वाई मैक्स की वैल्यूज हैं ये सब 250 मीटर से ज़्यादा हैं और इस जोन में डेंजर जोन है, इसमें डेफिनेटली हिट हो सकता है। और क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कितने ट्रैवल टाइम के लिए हम फाइटर जेट को हिट कर सकते हैं। इसका मीनिंग सिंपली ये हुआ कि फाइटर जेट जब यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको जो समय लगा, बस इसी समय के दौरान एक सूटेबल एंगल को पे फायर करके उसको हिट किया जा सकता है। तो फाइटर जेट एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, उसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो आपको ये टाइम मिल जाएगा। तो बच्चों आई होप कि थोड़ा सा उलझने जैसा, कॉम्प्लेक्स दिखने जैसा क्वेश्चन है पर ये एक्चुअली उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है और शायद मैं आपको समझा पाया। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चर्चा के साथ।